लोगों के मार्क्स 500 से 600 के बीच में हैं। क्या अभी आप लोग ऐसी कंडीशन में है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि हमें इस साल ड्रॉप लेना है या हमको इस साल कॉलेज मिलेगा? तो आप एकदम सही जगह आए हैं दोस्तों। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पे। मेरा नाम है शशांक पुरी और मैं आप लोगों की केमिस्ट्री फैकल्टी और आपका काउंसलर हूं। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं उन बच्चों के बारे में जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं। बॉर्डर लाइन का मतलब है कि उनसे 400 रैंक 500 रैंक पहले तक सिलेक्शन हुआ है, 2000 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है और इस टाइम वो बहुत परेशान है। मुझे पता है, हमको बहुत कॉल्स आते हैं, मुझको बहुत सारे ऐसे कॉल्स आ रहे हैं जिसमें एक बच्चा पूछ रहा है 618 पे लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ ऑल इंडिया कोटे से। एक बच्चा पूछ रहा है मेरे 613 मार्क्स है, बिहार EWS है, क्या मुझको सर कॉलेज मिल जाएगा? हाँ, तुमको 100% कॉलेज मिल जाएगा और सिर्फ तुमको नहीं। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को कि मैं क्या कहने वाला हूं आज के इस वीडियो में। देखो बच्चों, पूरे ऑल इंडिया में लगभग 8500 सीटें हैं, 8500 सीट्स हैं ऑल इंडिया 15% कोटे में, यानी कि उसमें मैं एम्स को भी मिला रहा हूं, उसमें मैं BHU को भी मिला रहा हूं, उसमें मैं AMU की एक्सटर्नल सीट्स को भी मिला रहा हूं। तो अगर इन सबको ओवरऑल हम मिलाएंगे तो इंडिया में टोटल 8500 सीट्स हैं नीट के लिए, नीट के ऑल इंडिया कोटे के लिए। मतलब कोई भी डोमिसाइल की बाध्यता नहीं है, कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट का वहां पे एडमिशन ले सकता है। लेकिन उस 8500 सीट में से 50% सीट जो होती है वो अनरिजर्व्ड होती है, यानी कि कितनी सीटें? लगभग 4200 सीटें। तो 4200 सीटें जो होती हैं प्यारे बच्चों वो अनरिजर्व्ड होती हैं, ध्यान देना मेरी बात को। और राउंड वन की ऑल इंडिया की काउंसलिंग में कॉलेज कितने नंबर तक अलॉट हुआ है? कॉलेज अलॉट हुआ है 12000 रैंक तक। तो लगभग जितनी अनरिजर्व्ड सीटें हैं और आखिरी अनरिजर्व्ड बच्चा जिसको राउंड वन में सीट मिली है वो 3 का रेशियो है, 3 का मल्टीप्लायर है, यानी कि 4,042 सीटें हैं अनरिजर्व्ड में और आखिरी अनरिजर्व्ड बच्चा 12000 रैंक पे है, यानी कि 3 गुना ज्यादा रैंक तक अनरिजर्व्ड को कॉलेज मिला है। और हम लोगों ने अपने पुराने वीडियोस में हम हमेशा बोलते आए हैं कि नंबर ऑफ सीट से 2.5 से लेके 3 का मल्टीप्लायर होता है जितने रैंक तक कॉलेज मिलता है। ये हम लोगों ने अपने पुराने कई वीडियोस में बोले हैं, आशुतोष सर ने भी आपको बोला होगा और मैंने भी कई सारी वीडियोस में इसके बारे में आप लोगों से बात की है। तो बच्चों, अब देखो क्या होगा। अब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग खत्म हुई है, रिजल्ट आया, अब होगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग ऑफ स्टेट्स, जिसमें दिल्ली को हटा दे, दिल्ली तो इसी में कर ली है। अब फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टेट्स की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी बच्चों। उसमें क्या होगा, कुछ ऐसे बच्चे जो टॉप 1000 को हटा दो, टॉप 1000 नीट में जो बच्चे हैं जिनको जिपमर पांडिचेरी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, UCMS दिल्ली या उनको एम्स मिला है, उन बच्चों को हटा दो और वो भी एम्स दिल्ली को हटाओ सिर्फ। जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि एम्स ऋषिकेश मिलता हुआ बच्चा एम्स ऋषिकेश को छोड़कर अगर वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है। ये बात सत्य है, आप सब भी इस बात से परिचित हैं। बच्चों, अगर मान लीजिए कि एक बच्चा है जो उत्तर प्रदेश का है, उसके 640 मार्क्स है, अब उसको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो या तो मध्य प्रदेश का कोई कॉलेज है या तो अगर मान लीजिए यूपी का ही कोई कॉलेज है, जैसे कि GMC आजमगढ़ हो गया, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज, यहां तक उसको मिला, वो ओबीसी है बच्चा। जब स्टेट की काउंसलिंग होगी तो उस बच्चे को बहुत ज्यादा चांस है कि उस बच्चे को गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर या किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ अलॉट हो, तो वो बच्चा क्या करेगा, अपने ऑल इंडिया की सीट को छोड़ देगा। और बच्चों, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपनी ऑल इंडिया की सीट को छोड़कर अपने स्टेट में लेते हैं सीट, ऐसे बच्चे जिनकी रैंक बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है लेकिन ठीक ठाक होती है कि उनको अपने स्टेट का बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा लेकिन उनको इंडिया का बेस्ट कॉलेज यानी कि मौलाना आजाद और एम्स दिल्ली नहीं मिल पाया। देखो क्या होता है कि जैसे एक बच्चा है मान लो उत्तर प्रदेश का या पंजाब का, अब उसको ऑल इंडिया कोटे से कॉलेज मिला है तमिलनाडु में, ठीक है, ध्यान देना, लेकिन तमिलनाडु में जाने से उसको उसकी बहुत सारी चीजें इफेक्ट होंगी। जैसे कि पहला चीज तो उसका पानी बदल जाएगा अगर आप दूसरे प्लेस पे जाते हैं, फूड
खाना आप जो आपका जो इंडिजिनस फूड है आप वो छोड़ के कहीं और 5 साल तक कुछ और खाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि साउथ इंडिया का फूड सही नहीं है या नॉर्थ इंडिया का सही है, ये बस बात है, ये वाइसी वर्सा भी ले सकते हैं कि साउथ इंडिया के बच्चे को नॉर्थ इंडिया में दिक्कत होती है फूड स्पाइसी, खाना स्पाइसी है, या यहाँ के पानी में हैवीनेस ज्यादा है, उन सब का बहुत इफेक्ट होता है। तो बच्चा क्या करता है, और पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि बच्चा स्टेट में रहे, तो बच्चा ऑल इंडिया की सीट को ड्रॉप करके स्टेट में रहता है। लेकिन वो बच्चे जो 600 603 के आसपास हैं वो ये नहीं देखेंगे कि हमको अपने स्टेट में कॉलेज मिले, वो देखेंगे उनको कहीं भी मिले कॉलेज, बस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। तो वो लोग क्या करते हैं बच्चों, देखिए ये जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है, जब फर्स्ट राउंड ऑफ स्टेट की काउंसलिंग हो जाएगी तो मिनिमम 2000 बच्चे ऐसे होंगे जो ये ऑल इंडिया की काउंसलिंग को विड्रॉ करेंगे और अपने स्टेट में एडमिशन लेंगे। अब 2000 सीटें खाली हुई तो इंटू 2.5, 2000 इंटू 2.5 या 3 तो करेंगे तो लगभग कितना आया, 6000 तक आया। तो बच्चों अगली जब राउंड की काउंसलिंग होगी तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है, बहुत ही ज्यादा ये चांस है कि जो बच्चे 18000 रैंक के अंदर हैं उनको ऑल इंडिया स्टेट कोटे में, ऑल इंडिया 15% कोटे में उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। ये चीज हम लोग बहुत ज्यादा रिसर्च के साथ बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा एनालिसिस इसकी हुई है, तो इस वजह से मैं आपके सामने ये प्रेडिक्शन दे पा रहा हूं कि हम लोगों का ये मानना है कि इस काउंसलिंग के बाद जब स्टेट की काउंसलिंग खत्म होगी तो उसके बाद जो बच्चे यहां से अपने ऑल इंडिया की सीट को वैकेंट करेंगे उनकी वजह से नए बच्चे जो आएंगे तो रैंक जो है वो जाने की पॉसिबिलिटी है 18000 रैंक तक, यानी कि 18000 ऑल इंडिया रैंक नीट के एग्जामिनेशन में आपको सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में ऑल इंडिया के आपको सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। अब बच्चों मैं एक और अच्छी चीज आपको बताने जा रहा हूं, कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, जैसे कि मेनली मान लीजिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तो इन सब स्टेट्स में क्या होता है बच्चों, इन सब के स्टेट में एक ही दो अच्छे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। बहुत ज्यादा जो अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं वो आपके उत्तर प्रदेश में है, वो आपके दिल्ली में है, वो राजस्थान में है, वो महाराष्ट्र में है, वो कर्नाटका में है, बाकी स्टेट में उतने अच्छे मेडिकल कॉलेजेस नहीं है। मेडिकल कॉलेजेस ज्यादा हैं पर उतने अच्छे नहीं है, रैंकिंग में उतनी ऊपर नहीं आते। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है छत्तीसगढ़ का, उसके 660 नंबर आए हैं, ऐसे कई सारे बच्चे होंगे, उसको अपने स्टेट का बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, उसको ऑल इंडिया से मे भी कोई उत्तर प्रदेश का कॉलेज मिल रहा हो। अब कॉलेज इतना अच्छा मिल रहा होगा कोई स्टेट में, तो ऐसे स्टेट जहां पे मेडिकल कॉलेजेस उतनी अच्छी गुणवत्ता के नहीं है वो बच्चे ऑल इंडिया कोटे से कॉलेज उठाना चाहेंगे, तो उसकी वजह से वहां के स्टेट के बच्चे जो कम नंबर पे हैं उनके लिए भी सीटें वैकेंट होती हैं और उन स्टेट्स में भी कम नंबर वाले बच्चों को फायदा सीधा सीधा पहुंचता है। तो इसीलिए बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का और आप लोगों के सामने आने का मोटो ये था कि वो बच्चे जो डिप्रेस फील कर रहे हैं 600 603 वाले, वो आप लोगों को अभी हिम्मत नहीं हारनी है, आप लोगों को अगले साल की तैयारी के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग सेकेंड राउंड की मॉपअप तक आप वेट करिए, 18000 19000 रैंक तक, 17 से 19000 रैंक तक आपको मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटे से मिल जाएगा। और बच्चों मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, वो बच्चे जो 2021 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ड्रॉपर्स हैं, मैं साफ साफ बोल रहा हूं जो ड्रॉपर्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर इतना टैलेंट होता है, आपको टीचर्स भी अच्छे मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप सिलेक्शन से 50 नंबर से दूर रह जाते हैं, और इसके पीछे का जो रीजन होता है बच्चों वो होता है प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटोरशिप ना मिल पाना। प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरशिप नहीं मिल पाता है, भले ही आप कितने अच्छे टीचरों से पढ़े हो, तो आप लोग उस लड़ाई में जिसमें 14 लाख लोग कॉम्पिटिट कर रहे हैं उस लड़ाई में आप लैग कर जाते हैं, आप पीछे रह जाते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी, उस गूगल फॉर्म को आप भरिए, हम लोग एक मेंटरशिप प्रोग्राम लाना चाहते हैं, हम लोग आपकी राय चाहते हैं, तो एक तरीके का सर्वे फॉर्म नीचे गूगल फॉर्म के रूप में डिस्क्रिप्शन में है,
जो बच्चे 500 से 550 वाले हैं और ड्रॉपर हैं, वो जरूर इस सर्वे को लें, वो जरूर उस फॉर्म को फिल करें, क्योंकि हम लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं और आपको सारी जानकारी वहां पे मिल जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो बच्चों, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग नीट 2020 और 2021 के लिए हर वो अपडेट, हर वो इंफॉर्मेशन, हर वो चीज लाने वाले हैं जो आप लोगों के लिए जरूरी है। धन्यवाद।